श्री राधा गिरिंद बिहारी देव जू की जय। श्री निताय गौर हरि श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगल्तम वाग्मय ममतम जगत्पिबती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षतम श्रीकृष्णाक्षं परम धाम जगद्धाम नमामि तत् हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं बराक रूपोऽपि तस्य हरे पदकमलम वंदे श्रीचैतन्यदेवस्य वंदेहं श्रीगुरु श्रीपदकमलम श्री गुरुं वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्र जातं सह गण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादं सह गण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयन्तीरये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको हे भक्तियुग्म सुमते रघुनाथदासो श्रीजीव मे कुरुत मंद मतेर्दयां द्राक्। बोलो श्रृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल श्री चैतन्य चरितामृत श्री आदिलीला 13वें परिच्छेद में 45वीं पया से ही अनुसारे लिखी लीला सूत्रगण विस्तार वर्णिया छीन तहा दास वृंदावन। श्री चैतन्य चरित्र के स्रोत कुछ रहे जिनमें श्री लोचनदास जी का चैतन्य मंगल, जिनमें श्री जयानंद जी का चैतन्य मंगल, ईशान नागर जी का अद्वैत प्रकाश, श्री वृंदावन दास जी उनने चैतन्य भागवत, और यहां पर जिनका उल्लेख किया है रेफरेंस के रूप में संदर्भ के रूप में श्री स्वरूप दामोदर का कर्चा और श्री मुरारी गुप्त उनका कर्चा। तो स्वरूप दामोदर स्वरूप आर गुप्त मुरारी मुख्य मुख्य लीला सूत्र लिखी आचे विचारे श्री स्वरूप दामोदर मुरारी गुप्त इन्होंने मुख्य मुख्य लीला सूत्रों को लिखा से अनुसारे लिखी लीला सूत्र गण उन्हीं के अनुसार हम लीला सूत्रों का अब वर्णन कर रहे हैं। विस्तार बढ़िया छे ताह दास वृंदावन इनमें आदि लीला का मुख्य रूप से विस्तार पूर्वक श्री वृंदावन दास जी ने वर्णन किया है। चैतन्य लीला व्यास श्री वृंदावन दास मधुर करिया लीला करेला प्रकाश श्री चैतन्य लीला के मुख्य व्यास श्री वृंदावन दास और उन्होंने बहुत मधुर प्रकार से श्री लीला का विस्तार किया। लीला का अर्थ है चार क्रीड़ा,
लीला तच्चार विक्रीडा, लीला की परिभाषा दी गई, श्री प्रभु की मधुर हृदय को आकर्षण करने वाली जो क्रीड़ाएं थी उनका नाम ही है लीला। तो श्री महाप्रभु की जो लीलाएं हैं उनका श्री वृंदावन दास जी ने विशेष रूप से उन लीलाओं का वर्णन किया है। श्रीमद् भागवत में भी कहा है कि दैत चित्रम भगवती हेमंते जगदीश्वरे ओत प्रेत मिदम यस्मिन तंत्रश्वंग यथापट। श्री शुभदेव जी कह रहे हैं इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। राजा का एक प्रश्न था कि ब्रह्मन परोद्धवे कृष्णे, कृष्ण पराई संतान है फिर ब्रजवासियों के इतना प्रेम क्यों हुआ। ये प्रश्न था किसी की पराई के पुत्र में इतना प्रेम ब्रजवासियों का कैसे हो सकता है। राय ब्रह्मन परोद्धव कृष्ण यान प्रेम कथम भावी, ये प्रश्न था परीक्षित महाराज का। इसके उत्तर में श्री सुखदेव जी ने उपनिषद के एक प्रसंग को उपस्थित किया और उन्होंने कहा कि आत्मा सबसे ज्यादा प्यारी होती है, आत्मी की अपेक्षा आत्मा प्यारी होती है, उपाधि की अपेक्षा उपाधि वह ज्यादा प्यारा होता है। श्री कृष्ण इनमें उपाधेय होकर के विराजमान है, आत्मा विराजमान, दो चीज है, एक है उपाधि एक है आत्मा। उपाधि की अपेक्षा आत्मा ज्यादा प्यारी होती है। ब्रजवासी कृष्ण को अपनी उपाधि या अपनी एक संपत्ति नहीं मानते हैं बल्कि आत्मा ही मानते हैं। ऐसी स्थिति में कृष्ण से प्रेम होना सहज स्वाभाविक है। जगत में व्यक्ति धन को छोड़ देता है, पुत्र को उठाता है, कभी आपत्ति आए सबसे पहले उसको बचाएगा। फिर एक स्थिति होती है वो पुत्र को भी छोड़ देता है, पहले अपने प्राणों को बचाता है, निःशरीर को बचाता है। फिर एक स्थिति होती है निःशरीर में भी वो ये कहता है कि शरीर कहीं कट रहा है तो कट जाने दो, शरीर में गैंग्रीन हो गया, शरीर में कहीं कोई घाव हो गया, कह रहा है ये फोड़ा है ठीक नहीं होने वाला है, अनक्योरेबल है, पैर को काट दो कोई चिंता नहीं, हाँ शरीर बच जाए आत्मा बच जाए। तो शरीर में प्यारा नहीं, हाथ पांव को भी आदमी कटवा लेता है इच्छा से, इसका मतलब उपाधि प्यारी नहीं है, प्राण प्यारे हैं, प्राणों की भी अपेक्षा प्राण भी आत्मा जो है वो आत्मा और भी ज्यादा प्यारी होकर के विराजमान, इसलिए आत्मा ही सबसे प्यारी है। और श्री कृष्ण आत्मा ही होकर के विराजमान क्योंकि कृष्ण आत्मा है, इसलिए नैत चित्रम भगवती अनंत जगदीश्वर है। श्री भगवान अनंत जगदीश्वर श्री कृष्ण उनके लिए सब ब्रजवासी इतने ज्यादा प्यारे हैं, ब्रजवासी उनसे अत्यंत प्रेम करते हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि कृष्ण सबकी आत्मा होकर के विराजमान है। ये उपनिषद का जो एक बरदारण्यक उपनिषद का जो अंश था वो अंश को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया। बरदारण्यक में एक कथा आई कि एक बार याज्ञवल्क ऋषि ऊर्ध्व लोगों को जा रहे थे। अब याज्ञवल्क बड़े प्रसिद्ध हैं दाय भाग का निर्णय करने में कि किसको कितना भाग मिलेगा, ये सक्सेशन जो है उसमें किसको कितना मिलेगा, ये इसका निर्णय करने वाले वे बड़े प्रसिद्ध हैं। उनके आधार पर ही फिर सारा आज का जितना भी कानून है वो भी याज्ञवल्क के आधार पर ही मुख्य रूप से है कि दाय किसको कितना कितना अंश मिलेगा। तो याज्ञवल्क जब जा रहे थे, याज्ञवल्क की दो पत्नी हैं, एक मैत्रेयी एक कात्यायनी। इनमें मैत्रेयी बड़ी विदुषी है, वे याज्ञवल्क के पास में आई और उनसे कहा कि आप ऊर्ध्व लोक को जा रहे हैं
मुझे कुछ क्या देकर के जा रहे हैं। तो याज्ञवल्क्य ने कहा उद्यासन अस्मि तेन अनया कात्यायनी विच्छेदन करवाणी, ये जो कात्यायनी है इससे मैं तेरा विच्छेद करा देता हूं, तुम्हारा बंटवारा कर देता हूं अभी जाने के पहले। तो मैत्रेयी ने प्रश्न किया कि यदि हम सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात् किम हम तेन अमृता स्यात्, यदि ये सारी पृथ्वी धन से परिपूर्ण हो जाए और उसकी मैं स्वामी हो जाऊं तो क्या मैं अमर हो जाऊंगी। तो याज्ञवल्क्य ने उत्तर किया कि अमृतत्वस्य तो नाशास्ति वित्तेन, कि अमरता की आशा नहीं है धन के द्वारा। यथैव संपत्ति मता तथे वित्तेपि जीवनम स्यात्, जैसे उपकरण वाले लोगों का जीवन होता है वैसे तेरे पास में भी घोड़ा गाड़ी सब हो जाएंगे, ये सब चीजें तुझे मिल जाएंगी, परंतु अमृत तू नहीं हो सकती है, अमर नहीं हो सकती है। तो मैत्रेयी ने फिर पूछा कि ये अहम नान्यता स्याम किम अहम तेन कुर्याम, जिससे मैं अमर नहीं हो सकती हूं ऐसे धन को लेकर के मैं क्या करूंगी, क्योंकि अमृतत्व के साधन को आप ही जानते हो इसलिए मुझे आप अमृतत्व के साधन को बताओ। उस समय श्री याज्ञवल्क्य ने कहा कि प्रियान सती प्रियम भाषा से यही उपविश उपदिशा में ते मृतत्व साधनम, बोले तू मेरी प्रिया है, प्रिय वचन कह रही है इसलिए आप मेरे पास में बैठ, मैं तुझे अमरता के साधन को बताता हूं। और ऐसा कहकर के फिर उन्होंने एक बात कही, अब यहां से बात शुरू हुई, बिल्कुल यही के वचन है, ऐसे के ऐसे वचन कि नवा अरे मैत्रेयी पुत्रस्य कामाय पुत्रो प्रियो भवति, आत्मना वही कामाय पुत्रो प्रियो भवति, कि अरे मैत्रेयी पुत्र के सुख के लिए पुत्र को प्यार नहीं किया जाता है, तत्वतः पुत्र को जो प्यार किया जाता है कहीं ना कहीं परोक्ष रूप में अपने आत्मा को सुख देने के लिए ही पिता पुत्र से प्रेम करता है, माता पुत्र से प्रेम करती है, वो पुत्र के लिए प्रेम नहीं कर रही है, तत्वतः पुत्र के प्रेम के माध्यम से वो ग्रेटिफिकेशन करती है, आत्मसंतोष करती है, सुख प्राप्त करना चाहती है खुद का, क्योंकि ऐसा करने से उसकी अपनी आत्मा को सुख मिलता है। और फिर बहुत सारी बातें कही कि नवा पितु कामाय पत्युः कामाय, पति के लिए पति प्यारा नहीं है, पत्नी के लिए पत्नी प्यारी नहीं है, तत्वतः सबको अपनी आत्मा से को आनंद मिलता है, आत्मा को सुख मिलता है, इसलिए आत्मा ही प्रिय है, तस्मात् आत्मा वा अरे मैत्रेयी श्रोतव्यः कीर्तितव्यः निदध्यासयितव्यश्च, निष्कर्ष में बहुत सारी बातें कहकर के कि पति भी नहीं है, पुत्र भी नहीं है, पत्नी भी नहीं है, धन भी नहीं है, बंधु बांधव भी नहीं है, जगत नहीं है, अंत में आत्मा के लिए ही सब कुछ प्यारा है, आत्मा का ही श्रवण मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। तो वहां पर आत्म तत्व को निरूपण किया गया, बिल्कुल वही को वही सिद्धांत लेकर कह रहे हैं, नहीं तो चित्रम भगवती है अनंत जगदीश्वरी, कि अनंत जगदीश्वर भगवान उनके प्रीति की जाए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आत्मा स्वाभाविक रूप से प्यारी होती है। और यहां पर भी श्रीमद् भागवत में भी इस प्रसंग में भी सुखदेव जी का उत्तर यही है कि उपाधि की अपेक्षा आत्मा प्यारी होती है, कभी पुत्र में आत्मा का आरोप किया गया तो ऐसी स्थिति में उपाधि रूप में धन का त्याग कर दिया जाएगा, पुत्र को पकड़ा जाएगा, किसी की झोपड़ी में आग लग रही है तो पुत्र को पहले बचाएगा, धन को छोड़ देगा, जलता है तो जल जाए। तो जहां पर आत्मता ज्यादा होगी, आत्मा सब में व्याप्त होकर के विराजमान, तो जहां आत्मा का सबसे ज्यादा प्रकाशन होगा उस वस्तु से वो सबसे ज्यादा प्रेम करेगा, और अंत में आत्मा का पूर्ण प्रकाशन यदि है कहीं तो वो कृष्ण में है, इसलिए ब्रजवासी कृष्ण के लिए सब कुछ त्याग करने के लिए तैयार है। ये है लॉजिक, ये जो तर्क है वो तर्क यहां पर यही तर्क दिया गया कि आत्मा ही सबसे ज्यादा प्यारी होकर के विराजमान।
कि नित्य चित्रम भगवती अनंत श्री जगदीश्वर, श्री भगवान जगत के ईश्वर हैं, अनंत हैं, वे आत्म रूप हैं और आत्मा से प्रेम करना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ओतप्रोत मिदम यस्मिन, उन भगवान में ही ये संसार ओतप्रोत होकर के विराजमान है। जैसे तंतुषु अंग यथापट, जैसे सारा वस्त्र तंतुओं में ही व्याप्त है, जितने भी वस्त्र हैं पूरा वस्त्र, तत्वतः वस्त्र नाम की कोई चीज नहीं है, तंतु ही चीज है, तंतु में ही जैसे वस्त्र विद्यमान है, तंतु वस्त्र नाम की कोई अलग से कोई चीज नहीं है, तंतु ही विराजमान है। जरा कल्पना करो कि लोहे के बिना क्या माइक है, तत्वतः हम लोहे का ही दर्शन कर रहे हैं, तत्वतः हम जो दर्शन कर रहे हैं वो लोहे का ही दर्शन कर रहे हैं, लोहे के बिना माइक नहीं हो सकता है। ऐसे ही श्री भगवान वे ही आत्म तत्व होकर के विराजमान है, वे आत्म तत्व हैं, तब उनके वैभव का हम विभिन्न वस्तुओं के रूप में जीव और जगत के रूप में दर्शन करते हुए विराजमान होते हैं। इसलिए मुख्य वस्तु, मुख्य प्रेमास्पद वस्तु यदि कोई है तो वह भगवान है, आत्म तत्व है। लोहे के बिना जैसे माइक का दर्शन नहीं, ऐसे ही आत्मा के बिना किसी भी वस्तु का दर्शन नहीं हो सकता, ये निर्णय की बात हुई। इसलिए वो सहज प्रीति के पात्र होकर के विराजमान। अते प्रभु ते हो हरि बल भाई, कृष्ण बलराम दुई चैतन्य निताय। श्री प्रभु ते हो हरि बल भाई, श्री प्रभु के बड़े भाई होकर के विराजमान है। श्री बलदाऊ जी ने यदि धेनकासुर को मार दिया, पूरा ताल बन को कपा दिया, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। श्री बलदेव सबके आश्रय होकर के विराजमान है, शंकर भगवान सबके आश्रय होकर के विराजमान, आत्म तत्व होकर के विराजमान है, वे आत्मा ही सबसे ज्यादा प्यारी होती है। अतएव श्री बलदेव ही पहले श्री चैतन्य के बड़े भाई विश्व रूप होकर के प्रकट हुए, शची माँ के यहां पर विश्व रूप का जन्म हुआ। अते प्रभु ते हो हरि बल भाई, श्री प्रभु उनके बड़ भाई होकर के, बड़े भाई होकर के विराजमान हुए। फिर बाद में कृष्ण बलराम दोई चैतन्य निशाय निताय, श्री चैतन्य नित्याय ये भी कृष्ण बलराम होकर के विराजमान हुए। श्री बलदाऊ जी के दो स्वरूप हैं, एक स्वरूप बलदाऊ जी का है श्री चैतन्य लीला में विष्णु, वे बलराम है, और दूसरे श्री चैतन्य का के साथ में नितायु होकर के विराजमान है, वे भी बलराम है। अब बलराम की एक विशेषता है कि वे अनेक रूप धारण कर सकते हैं, जब भी जैसी सेवा की आवश्यकता पड़ती है वो स्वरूप धारण कर लें। तो जब श्री महाप्रभु वृंदावन आए उस समय बलभद्र आचार्य होकर के उनके पास में आ गए, तो तीन रूप हो गए लोग, एक हो गए विश्व रूप, दूसरे हो गए नित्यानंद प्रभु, और तीसरे हो गए और कहीं हाँ हमारे जी ठीक है 40 के बाद दो पंद्रह लग गए ग्रंथ विस्तार भेजते हो छाड़े लिए ये स्थान, ग्रंथ स्थान पर ग्रंथ स्थान के भाई से वो दो पंदे पलट गए चिपक गए ग्रंथ विस्तार के भाई से ये स्थान। अब श्री वृंदावन दास जी ने जिन जिन स्थानों को छोड़ दिया है से स्थान किचु करी व्याख्यान, उन इन स्थानों पर हम विशेष रूप से कुछ व्याख्यान करेंगे। अब यहां पर जैसे एक उदाहरण के द्वारा बताएंगे कि एक प्रसंग आया है कि श्री महाप्रभु के पास में कोई शास्त्रार्थी पंडित आया और उसे कहा निमाई तुम तो व्याकरण के अध्यापक हो और व्याकरण तो बाल शास्त्र है, बच्चों को भाषा का ज्ञान कराने वाला शास्त्र है, प्रौढ़ शास्त्र तो साहित्य है,
तुम साहित्य के विषय में कुछ नहीं जानते हो। महाप्रभु बोले हाँ आप कह रहे हो ठीक होगा ऐसा, परंतु देखें आप तो साहित्य के विषय में हैं, आप कुछ अपने साहित्य को काव्य को बताओ। बोले हाँ हाँ किस विषय पर बताओ, मैं कविता करके दिखाऊं। चांदनी रात थी, सामने गंगा जी बह रही हैं। महाप्रभु हंसते हुए बोले उन दिग्विजय पंडित से कि सामने गंगा जी बह रही हैं, इन गंगा जी के ऊपर ही कुछ कहो। और वो शास्त्रार्थी पंडित धुआंधार जैसे आंधी आ रही हो ऐसे 100 श्लोकों को एक साथ तुरंत के तुरंत बनाए सरस्वती सिद्धों से, और 100 श्लोकों को धड़ाधड़ आंधी तूफान की तरह से कह दिया। और फिर हंस करके बोला कुछ समझ में आया। महाप्रभु हंसे बोले हाँ हाँ जरा इन अपने श्लोकों का गुण दोष भी बता दो। बोले गुण दोष, दोष कैसे हो सकते हैं, मेरी कविता में दोष तो हो ही नहीं सकता, गुण ही गुण है। तुमने कहां दोष दिखा? महाप्रभु बोले कि तुमने पहला श्लोक ये बोला था, अब वो सुना दिया। 100 श्लोकों को एक साथ महाप्रभु सुना दे, इतने शुद्धर होकर के भी विराजमान है। उन्होंने कहा पहला श्लोक ये कहा था, इस पहले श्लोक के गुण दोषों को देख लो, इनमें 5 दोष और 5 गुण बताए महाप्रभु ने। और वो चक्कर में पड़ गया, बोले भाई ऐसा विद्वान तो मैंने देखा नहीं जिसने, मैंने 100 आंधी तूफान की तरह से श्लोक बोले और इसने उन श्लोकों को रट ही नहीं लिया, याद ही नहीं कर लिया, बल्कि उनके गुण दोष का विचार भी कर रहा है। बोले इसमें 5 दोष है 5 गुण, और महाप्रभु ने 5 गुणों को गिनाए। अब जहां 5 दोष श्री वृंदावन दास जी ने केवल इतना कह दिया कि महाप्रभु ने उसके गुण दोषों का विचार किया, इसके आगे कुछ नहीं कहा। अब कौन से 5 दोष है, कौन से 5 गुण हैं, श्री कविराज गोस्वामी जी ने चैतन्य चरितामृत में उनको निरूपण किया कि ये 5 दोष थे, ये 5 गुण थे उस। तो यहां पर वो कह रहे हैं कि श्री वृंदावन दास जी ने ग्रंथ विस्तार के भय से जिन जिन स्थानों को छोड़ दिया था उन स्थानों की हम विशेष रूप से व्याख्या करेंगे और उनका पूरक होकर के विराजमान है। प्रभु लीलामृत हो कैल आस्वादन, श्री प्रभु के लीलामृत का उन्होंने आस्वादन किया, तार भुक्त शेष किचु करिए चरवा, उन्होंने जो आस्वादन किया है उसका ही जो अवशिष्ट रह गया है उसका ही हम चरवण कर रहे हैं। जैसे कोई रस का पान करने वाला ओक लगा करके अमृत को ढकर ढकर पी रहा है, अब पीते समय उसके ओठों से हुच्चू लगे या हो ओठों से टपकते हुए ओक से ही एक आध बूंद नीचे गिर जाए, अब जो नीचे गिर गई है उसमें चैटा चैटी लग गए, अब चैटा चैटियों का पेट कितना उतने में भर जाएगा, तो उनके ही अवशिष्ट जो है उनको ही हम खा करके उनका वर्णन कर रहे हैं। तो तार भुक्त शेष उनके भोजन से जो टपक गया है उसका ही किचु करिए चरवण, वो भी पूरा चरवण करने की सामर्थ्य नहीं है, उसका कुछ चरवण करते हुए हम विराजमान हो रहे हैं। आदि लीला सूत्र लिखी शून्य भक्तगण, सबसे पहले आदि लीला जो है उनके सूत्रों को हम लिख रहे हैं। सूत्र पहले लिख रहे हैं क्योंकि काल अनंत है और काल बड़ा अप्रमत्त है, इसलिए समय तो बहुत प्रबल है। तो आदि लीला सूत्र, आदि लीला के कुछ सूत्र जो हैं उनको हम लिख रहे हैं। तो आदि लीला सूत्र लिखी शून्य भक्तगण, उनको सुनो, संक्षेप में लिखिए, सम्यक नयाय लिखन, उनको संक्षेप में लिख रहे हैं, पूरा उसको लिख नहीं सकते हैं। कौन वांछा पूर्ण लागे ब्रजेंद्र कुमार, अवतीर्ण हरिते मने करिले विचार। किसी अद्भुत वांछा की पूर्ति करने के लिए, कौन माने किसी अद्भुत वांछा, वो 3 वांछाएं, श्री राधिका की प्रणय महिमा कैसी है, राधिका का स्वाद कैसा है, मेरा अपना सौंदर्य कैसा है,
इन तीन अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए श्री विजयन कुमार के हृदय में इच्छा हुई। कौन मान कोई अपूर्व वांछा की पूर्ति के लिए श्री विजयन कुमार के मन में इच्छा हुई और अवतीर्ण होते मन में करें विचार, और उन्होंने अवतीर्ण होने का विचार किया। महाप्रभु के अवतार के तीन सामान्य प्रयोजन हैं, एक सामान्य प्रयोजन, एक विशेष प्रयोजन, एक अंतरंग प्रयोजन। ये तीन प्रयोजन हैं। सामान्य प्रयोजन है महाप्रभु के अवतार का युग धर्म नाम का प्रचार। मुख्य प्रयोजन है अनर्पितचरी भक्ति, रागानुगा भक्ति की भक्ति प्रदान करना, यह है मुख्य प्रयोजन। और अंतरंग प्रयोजन है तीन, श्री राधिका की प्रणय महिमा कैसी है, मेरा अपना सौंदर्य कैसा है और श्री राधिका का सुख कैसा है। इन तीन सुखों को पूरा करने के लिए श्रीमद् महाप्रभु ने इन तीनों सुख, सामान्य प्रयोजन, विशेष प्रयोजन और अंतरंग प्रयोजन, इन तीनों को पूरा करने के लिए श्री महाप्रभु ने अवतीर्ण होने का विचार किया। आगे अवतारे ये गुरु परिवार, पहले जितने भी गुरु परिवार हैं उनको महाप्रभु ने अवतरित किया। महाप्रभु के अवतार के पहले गुरुजन उत्पन्न हुए, माने शची माँ, श्री जगन्नाथ पुरंदर, इधर हाय पंडित, श्री नित्यानंद प्रभु, ये सब उत्पन्न हुए। संक्षेप में कही ले कहा नया विस्तार, उनको संक्षेप में कहा जा सकता है, उनका विस्तार नहीं किया जा सकता है। श्री शची जगन्नाथ, माधवपुरी, केशव भारती, ईश्वरपुरी, श्री अद्वैताचार्य, पंडित श्रीवास, आचार्य निधि, विद्यानिधि, ठाकुर हरदास, श्री हट्टवासी, उपेंद्र मिश्र, जितने भी वैष्णव पंडित हैं, वे वैष्णव पंडित धनी सद्गुण प्रधान, ये सब वैष्णव हैं, धनी हैं, पंडित हैं, सद्गुणों से प्रधान होकर के विराजमान, ये सब श्री हट्टवासी ढाका के जो निवासी हैं, दक्षिण ढाका के, वे लोग सब सद्गुणों से युक्त होकर के विराजमान। सप्त मिश्र तार पुत्र ऋषि सप्तीश्वर, उपेंद्र मिश्र इनके सात पुत्र हैं और ये सात ऋषियों के समान हैं। इनके नाम हैं कंसारी, परमानंद, पद्मनाभ, सर्वेश्वर, जगन्नाथ, जनार्दन, त्रैलोक्यनाथ। ये सब श्री उपेंद्र मिश्र जी के सात पुत्र हैं। नदिया थे गंगावास कई जगन्नाथ, श्री जगन्नाथ मिश्र उनका क्या कहना, उन्होंने श्री नदिया में आकर के गंगावास के उद्देश्य से ये नदिया में आकर के रहे। इनकी जगन्नाथ माने बहुत दिन से गंगा किनारे नदिया में आकर के रहे। जगन्नाथ मिश्रवर पदवी पुरंदर, इनका नाम है जगन्नाथ मिश्र और इनकी पुरंदर पदवी पदवी है, इंद्र ये इनकी पदवी है, पुरंदर इनकी पदवी है। पुरों को जो नष्ट कर दे उसका नाम पुरंदर, माने इंद्र ने असुरों के कई पुरों को अपने वज्र से नष्ट किया था, इसलिए इंद्र का एक नाम हो गया पुरंदर। तो पुरंदर इनका उपनाम है, जगन्नाथ मिश्र इनका नाम है। नंद वसुदेव रूप सद्गुण सागर, एक बहुत बड़ी विशेषता है श्री कविराज गोस्वामी की कि इन्होंने कृष्ण लीला में कोई पढ़कर क्या था प्राय सबका ये भी उल्लेख किया है कि कृष्ण लीला में कौन कौन से पढ़कर थे गौरीला। बाद में कवि कर्णपुर ने कृपा करके गौर गणोदेश दीप का प्रकट की, दो ग्रंथ प्राप्त होते हैं, एक है राधा कृष्ण गणोदेश दीप का, उसके रचनाकार हैं श्री रूप गोस्वामी जी, दूसरा है गौर गणोदेश दीप का, इसके रचनाकार हैं श्री कवि कर्णपुर। कवि कर्णपुर ने मुख्य रूप से जो वर्णन किया उनका आधार लेकर के श्री बाद में
कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने, वो ही गौर गणोदेश दीपिका में जो महाप्रभु के परकर का ब्रज लीला में क्या स्वरूप है उसको यहां पर उल्लेख किया है, उसका स्रोत जो है वो वही है। तो श्री जगन्नाथ मिश्र ये नंद वसुदेव होकर के, नंद बाबा भी और वसुदेव भी, दोनों दोनों का मिश्र स्वरूप है, नंद बाबा और वसुदेव दोनों होकर के विराजमान, मुख्य रूप से नंद है, वसुदेव भी विराजमान। तार शची पत्नी, शची नाम पतिव्रता सती, उनकी पत्नी शची होकर के विराजमान है जो परम पतिव्रता है, सती है, यार पिता नीलांबर नाम चक्रवर्ती, श्री शची माँ के पिता श्री नीलांबर चक्रवर्ती हैं और नीलांबर चक्रवर्ती की पुत्री वे श्री जगन्नाथ मिश्र को ब्याह है, नीलांबर चक्रवर्ती महाप्रभु के नाना। राड देशे जन्म ठाकुर नित्यानंद, श्री राड देश में नित्यानंद ठाकुर उनका, श्री नित्यानंद प्रभु उनका अवतार हुआ है, श्री बलदेव भी नित्यानंद होकर के अवतार धारण किया राड देश में, हाई पंडित के यहां पर आप उत्पन्न हुए। गंगादास पंडित गुप्त मुरारी मुकुंद असंख्य निज भक्त कराया अवतार, श्रीमद महाप्रभु ने अवतार करने के पहले गंगादास पंडित जिनकी पाठशाला में महाप्रभु पढ़े और फिर बाद में उन्हीं की पाठशाला में महाप्रभु ने पढ़ाया, श्री मुरारी गुप्त मुकुंद ये असंख्य भक्तगण, उनको भी अपने अवतार के पूर्व अवतार कराया। शेष अवतीर्ण हरिदास श्री ब्रजेंद्र कुमार और सब परकर को अवतार धारण कराने के बाद में फिर श्री ब्रजेंद्र कुमार स्वयं अवतीर्ण हुए, श्री नित्यानंद श्री महाप्रभु के रूप में, निमाई के रूप में श्री ब्रजेंद्र कुमार अवतरित हुए, कृष्णचंद्र ही अवतरित हुए हैं। प्रभु आविर्भाव पूर्वे सर्व वैष्णवगण अद्वैताचार्य स्थाने करें गमन, प्रभु का जब आविर्भाव नहीं हुआ था उसके पहले जितने भी वैष्णवगण वे श्री अद्वैताचार्य के घर पर आकर के सत्संग करते थे और कृष्ण कथा श्रीमद् भागवत ये सुनते थे, अद्वैताचार्य सबको गीता भागवत ये पढ़ाते थे और भागवत की कथा सुनाते थे। गीता भागवत कहे आचार्य गोसाई ज्ञान कर्म निंद भक्ति बड़े भक्ति बार, श्री आचार्य गोसाई अद्वैताचार्य ये गीता भागवत इनका गायन करें,